यहाँ पर महापंचायत का आयोजन किया गया है। त्यागी समाज ने समर्थन में महापंचायत की है श्रीकांत त्यागी के। कुछ लोग हैं, वो लोग हैं जो जेल गए थे, यानी कि श्रीकांत त्यागी के प्रकरण में जो लोग बाद में सोसाइटी में गए और उनको कहा गया कि गुंडे सोसाइटी में घुस गए, वो लोग हैं, उनसे बातचीत करूंगा। ये लोग ही हैं जो जेल गए थे। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम लोकेंद्र त्यागी डबाना। क्या करते हैं लोकेंद्र? मेरी आईटी कंपनी है और समाज सेवी हूँ। आईटी कंपनी आपकी? जी। लेकिन जब आप वहाँ पर घुसे तो कहा कि गुंडे घुस? हाँ, गुंडे तो समाज सेवा करने वाले लोग गुंडे बन जाते हैं अक्सर। ये हुआ, गुंडे तो बना दिए थे तो नहीं। क्या करेंगे आप लोग, क्या करने गए थे वहाँ? हम लोग, एक सोशल मीडिया पे मैसेज आया था जिसमें श्रीकांत त्यागी जी के बच्चे और उनकी सिस्टर थी, वो बच्चे रो रहे थे, दो दिन से वो भूखे थे, उन्हें खाना नहीं मिला था, उनकी घर की बिजली काट दी गई थी। तो उन्होंने समाज से अपील की थी सभी लोगों से कि जो भी समर्थन में हमारे सहयोग मदद करो, वो मदद मांग रहे थे। मानवता के नाते हम लोग खाना लेकर उन लोगों को भोजन कराने के लिए, उनके हालचाल जानने के लिए हम लोग वहाँ गए थे। हम कोई भी गुंडा सोसाइटी में एंट्री करा के नहीं जाता है, आज तक कोई गया हो तो आप लोग बता दो। हम सोसाइटी में एंट्री करा के विधिवत रूप से बकायदा गए हैं, श्रीकांत त्यागी जी के मकान पे गए हैं, उनसे बच्चों से मिले हैं, हालचाल जाना है। और ये जो है, तभी सोसाइटी के कुछ लोग वहाँ पे आ गए, उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। वहीं महेश सांसद जी जो है वहाँ पे पहुँच गए, उन्होंने जो है हमारे ऊपर ये सब प्रशासन पे दबाव डाल के ये सब कराया। गुंडे हमारे समाज को और हमें महेश सांसद द्वारा कहा गया है। यानी डॉक्टर महेश शर्मा पर ही आरोप लगातार लग रहा है, आप लोग लगा रहे हो कि डॉक्टर महेश शर्मा इसमें राजनीति कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इस राजनीति को भुलाने के चक्कर में लग रहे हैं। जी बिल्कुल, महेश शर्मा के आने के बाद ही वहाँ ये हमें गुंडा वगैरह बोला गया है और महेश शर्मा के दबाव में ही पुलिस प्रशासन ने हमें गुंडा बनाया है। लेकिन महेश शर्मा तो ये कह रहे हैं कि भाई हमारी कोई खता नहीं है, मेरी क्या गलती है। मैं कहना चाहूँगा, जो 10 दिन हमें कष्ट झेलना पड़ा, हमारे परिवार वालों को कष्ट झेलना पड़ा, जो हमारे समाज के लोगों को कष्ट झेलना पड़ा, जो लोग यहाँ आज इकट्ठा हुए हैं, उसका कारण सिर्फ और सिर्फ महेश सांसद है। महेश सांसद की वजह से ही, उसने हमसे पहले हमें वहाँ गुंडा पूछा, उसने एक बार पूछना जरूरी नहीं समझा कि आप लोग यहाँ क्यों आए थे, आप लोग क्या करने आए थे। उन्होंने सबके सामने हमें गुंडा कहना शुरू कर दिया, उन्होंने कमिश्नर साहब को वहाँ पे गालियाँ दी, उसी दबाव में प्रशासन ने आके हम पे मुकदमे लगाए। महेश शर्मा ने एक पत्र भी लिखा है, आज महेश शर्मा ने एक पत्र भी लिखा है कि भाई जो महापंचायत हो रही है, मुझे सुरक्षा प्रदान की जाए, कुछ असामाजिक तत्व हैं जो मेरे अस्पताल पे या मेरे घर पे तोड़फोड़ कर सकते हैं, हमला कर सकते हैं। अब इस बारे में तो हमें कोई जानकारी नहीं है, क्या है क्या नहीं, किसने क्या कहा है, उन्हें कौन है सामाजिक तत्व हैं। हमें अपना पता है, हमारा ये शांति प्रिय आंदोलन है, हमारे समाज के लोग सब हमारे साथ आए हैं और इसी कारण से यहाँ पे इतने लाखों की संख्या में लोग आए हुए हैं। हम सही थे, गलत को गलत और सही को सही कहने वाले लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। आपका कहना? मेरा ये कहना है, अगर जो जब सांसद जी को ये लगा कि वे राजेंद्र अग्रवाल के कहने पर यहाँ पर आए थे, तो उन्हें यहाँ पर आकर सबसे पहले ये चीज़ देखनी थी, ये उनका अपना ही प्रदेश है, ये कोई बाहर का तो है नहीं। उन्हें ये देखना था कि मेरे प्रदेश में क्या चीज़ हो रही है क्या नहीं। भाई वो यहाँ के सांसद हैं, कोई ऐसे छोटे मोटे नेता तो वो है नहीं। जब सांसद है तो सांसद का क्या होता है कि अपने प्रतिनिधि को ये देखा है कि भाई इन्होंने गलत किया है या नहीं किया है। अगर जो गलती थी तो दोनों पक्षों की होगी, कभी एक हाथ से ताली तो बजती नहीं है, कभी एक हाथ से ताली बजती किसी ने देखी है? कभी नहीं होती। एक हाथ साहब तो ये डॉक्टर साहब तो ये कह रहे हैं कि भाई मेरा क्या कसूर है, प्रशासन ने अपना काम किया है, वो जो भी प्रशासन ने किया है, प्रशासन ने कहते हैं कानूनी तरीके से अपना काम किया है, श्रीकांत जेल गए हैं तो श्रीकांत ने गलती की है तो वो जेल चले गए। भाई देखो, श्रीकांत ने गलती की है, जो उस पर धारा लगनी चाहिए वो होनी चाहिए। हम उसके लिए हम ये नहीं कहते कि भाई श्रीकांत ने सही किया या गलत किया, जो गलत है वो गलत है, पर जो उसकी पत्नी के साथ, उसके बच्चों के साथ और हमारे ये 6 भाइयों के साथ जो किया गया, ये बिल्कुल गलत है। इसमें कोई एक भी ऐसा परसेंट नहीं है। एक बात बताओ, जब बच्चों की सुन के आदमी आ रहा है दूर से, वो खाना लेके आ रहा है, ये तो है नहीं कि वो गुंडा आ रहा है। अगर जो गुंडागर्दी करनी होती वो गेट से तोड़फोड़ करते हुए अंदर जाते। ऐसा नहीं है कि एंट्री कराएंगे, क्या वो अपना पूरा बायोडाटा दे के जब अंदर जाएंगे कि भाई हम गुंडागर्दी करने जा रहे हैं। वो खाना लेकर गए, उन्होंने सुना कि भाई 2 बच्चे और उनकी माँ नज़र बंद कर रखे हैं, ये सुनकर गए थे। ऐसे नहीं गए थे कि हम सीधे गुंडागर्दी करने जाएंगे। भाई जेल में कौन कौन रहा? ये भी रहे, आप भी जेल में रहे? ये वकील है, ये भी है। जी क्या करते हैं आप? मैं एडवोकेट हूँ। मैं कल कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा। गुंडे घुस गए? देखिए, चीज़ों का कभी भी गलत कुछ भी बताया जा सकता है। वहाँ बकायदा सोसाइटी में श्रीकांत त्यागी ने आप लोगों से जेल में कुछ कहा, कुछ अपील करी? मैं क्वारंटाइन था तो मुझे वो नहीं मिल पाए, भाई यार मिले होंगे मुलाकात जी।
उन्होंने एक मैसेज यही समाज को देने के लिए कहा था कि मेरे समाज से बाहर जाके एक बात कहना कि अगर आप लोगों को, आप लोगों ने गैंगस्टर से नेता बनते हुए बहुत लोग देखे होंगे, नेता से गैंगस्टर बनते हुए देखना हो तो श्रीकांत त्यागी जी को देख लें, और समाज सेवा से गुंडा बनना देखता हो तो लोकेंद्र त्यागी को देख लें। ये वो लोग हैं जो जेल में गए थे और जेल के बाद बाहर आ गए, लेकिन आज यहाँ पर लाखों हजारों लोगों की महापंचायत है जो नोएडा में गेजा गांव में रखी गई है।